हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ अर्शद इनाम एंड वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनिस्ट। और आज हम शुरू करने वाले हैं द चैप्टर नंबर टू, यूनिट नंबर टू, सॉल्यूशन। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ये वीडियो होने वाला है। ध्यान से आप अच्छे से इसको सुनिएगा। तो हमारे आसपास बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, तीनों स्टेट्स के अंदर आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब भी कोई सॉल्यूशन टर्म सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन होता है कि इट शुड बी लिक्विड, यानी कि वो सॉल्यूशन लिक्विड होगा। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सॉल्यूशन खाली लिक्विड ही नहीं होता, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। डिपेंड करता है उसके कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट्स के ऊपर। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं बेसिकली, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन पढ़ेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन मेथड यूज़ किए जाते हैं किसी भी सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए। रॉल्ट लॉ पढ़ेंगे, हेनरी लॉ पढ़ेंगे, लगभग दोनों सेम ही होते हैं। और जो आपके आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और रियल जो सॉल्यूशंस होते हैं वो रॉल्ट लॉ से कैसे डेविएशन एक्सप्रेस करते हैं, और सबसे लास्ट का टॉपिक होगा हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर यही सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डिफाइन कर दूं सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, सॉल्यूशन की डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशन आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज, यानी कि सॉल्यूट, यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट जो आपस में नॉन रिएक्टिंग हो, उनका एक होमोजीनियस जो मिक्सचर होगा वो आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर हर एक किसी ना किसी तरीके से सॉल्यूशंस को देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास मेटल है, मेटलॉइड है, एलॉय है कोई, या टी है, या आपका टूथपेस्ट है, या मिट्टी है, कुछ भी है, हम किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉल्यूशन से घिरे रहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन की हमने यहाँ बात की है। तो हर एक सॉल्यूशन डिपेंड करता है हमारी लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस के आधार पर। तो बहुत सारे कॉमन नॉन वेल नॉन आपके सॉल्यूशंस हैं, जैसे ब्रास है, एक एलॉय होता है, मिक्सर होता है कॉपर एंड जिंक का, और इसके अलावा जर्मन सिल्वर है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है जो कॉपर जिंक और निकल का मिक्सर होता है, या इसी तरह से एक ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टिन का। तो ये हमारे आसपास सब सॉल्यूशन देखने को आपको मिल जाएंगे। तो सॉल्यूशंस और उनकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे टूथपेस्ट के अंदर जो फ्लोराइड आयन होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1.5 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियम से ज़्यादा हो जाए तो हमारे दांतों में सड़न शुरू हो जाएगी और मोल्टेड हो जाएंगे, या इससे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो जहरीली भी साबित हो सकती है। या इसके अलावा इंट्रावीनस इंजेक्शंस होते हैं, वो डॉक्टर हमारी वेंस में लगाते हैं, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी बिल्कुल कैलकुलेटेड होती है। या इसके अलावा ब्लड प्लाज्मा सॉल्यूशन, ये सब हमारा ब्लड भी तो एक सॉल्यूशन ही है भाई। ब्लड प्लाज्मा को आप सॉल्वेंट मान लीजिए, RBC WBC जो लिम्फोसाइट्स होती हैं उनको आप सॉल्वेंट मान लीजिए। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, तो बने रहिएगा हमारे साथ। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन की। तो टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डेफिनेशन हमने पहले देख ली है, यहाँ पर इन्होंने दे दी है कि सॉल्यूशंस आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सिस्टेंसेज। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं जनरली, एक होता है आपका सॉल्यूट और दूसरा आपको मिलेगा वहाँ पर सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट बेसिकली दो होते हैं। तो सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। जैसे हम शुगर सॉल्यूशन देखते हैं, उसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा होता है और शुगर हम उसमें एक टीस्पून डालते हैं, और जब वहाँ पर वाटर होगा वो सॉल्वेंट का काम करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कई तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है बाइनरी सॉल्यूशन, है ना, ये लिखा हुआ है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। और इसके अलावा
अगर उसमें दो सॉल्यूट हैं और एक सॉल्वेंट है तो वो टर्नरी हो जाएगा, तीन सॉल्यूट हैं और एक सॉल्वेंट है तो वो क्वार्टनरी हो जाएगा। तो बेसिकली सब क्या होते हैं, सॉल्वेंट दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, सॉल्यूट सॉरी, लेकिन सॉल्वेंट जो होगा हमारा हमेशा एक ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, देखिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो हमने सॉल्यूशन को अलग अलग तरीके से पार्ट में डिवाइड किया है। बेसिकली अगर हम देखें तो सॉल्यूशन हमारे तीन होते हैं, गैसीय सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो जिस भी तरह का सॉल्यूशन होगा इसका मतलब उसकी फेस वही होगी। जैसे गैसीय सॉल्यूशन को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया तो तीनों में यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा, गैसीय होगा। लिक्विड स्टेट में देखें तो तीनों सॉल्यूशन के टाइप में सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड ही होगा। और सॉल्यूशन के बारे में देखें सॉलिड की, तो वहाँ पर सॉल्वेंट तीनों टाइम सॉलिड ही होगा। और तीन बार हम वहाँ पर गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड एंड सॉलिड को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले गैस इन गैस, यानी कि जब गैस सॉल्यूट गैसियस सॉल्वेंट के अंदर मिक्स रहता है तो वो क्या होगा, तो कोई भी एयर का एग्जांपल आप ले सकते हैं या मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस का ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप वहाँ पर एयर का एग्जांपल ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको विदाउट डस्ट मेंशन करना होगा, क्योंकि डस्ट भी एयर का एक पार्ट होता है। तो अगर वो डस्ट उसमें है तो वो हेटरोजीनियस हो जाएगा। तो अगर डस्ट नहीं है तो वो आपका एग्जांपल होगा गैस इन गैस का। दूसरा टाइप होगा आपका लिक्विड इन गैस का, क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद नाइट्रोजन। देखिए जब लिक्विड क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्सड हो जाती है तो ये एक एग्जांपल होगा इस तरह के सॉल्यूशन का। इसका एक एग्जांपल आप वो भी ले सकते हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। आपको पता है कि वाटर वेपर भी प्रेजेंट रहते हैं, मॉइस्चर भी प्रेजेंट रहता है एयर के अंदर, तो एयर आपका गैसियस होगा और वाटर आपका लिक्विड हो जाएगा। थर्ड टाइप है सॉलिड इन लिक्विड, तो कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस। आप जानते हैं कि जो कैम्फोर है वो एक सब्लिमेट सब्सटेंस होता है और वो सॉलिड स्टेट में नाइट्रोजन गैस में घुल जाता है। या डस्ट इन एयर भी आप कर सकते हैं, डस्ट सॉलिड स्टेट में होगा और आपका एयर गैसेस स्टेट में। तो बेसिकली ये तीन टाइप हो गए। उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो एज यू नो, जैसा आपको बताया कि जो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर तीनों टाइम हर बार सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड ही होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अब पहले टाइप की बात करें तो गैस इन लिक्विड, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन टू दी वाटर। आप जानते हैं कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस घुली रहती है जो कि यूज़ की जाती है एक्वाटिक एनिमल और प्लांट्स के लिए वो यूज़ करते हैं। तो ये एक ऐसा सैंपल वाटर का जिसके अंदर वाटर घुली हुई हो, तो गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल होगा। लिक्विड इन लिक्विड की बात करें तो दो लिक्विड को आप आपस में घोल दीजिए, वाटर एंड मिल्क ले लीजिए या एथेनॉल वाटर ले लीजिए। सॉलिड इन लिक्विड, तो ग्लूकोज डिजॉल्व इनटू द वाटर, शुगर डिजॉल्व इनटू द वाटर या सॉल्ट डिजॉल्व इनटू द वाटर, यानी कि कोई भी एक ऐसा सब्सिस्टेंस, नॉन वोलेटाइल सब्सिस्टेंस जो वाटर के अंदर घुला रहता है। सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो तीनों टाइम यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट आपका सॉलिड ही होगा। तो गैस इन सॉलिड की बात करें तो हाइड्रोजन एड्जॉर्ब इनटू द पैलेडियम, जब पैलेडियम मेटल या प्लेटिनम मेटल हाइड्रोजन गैस को एड्जॉर्ब कर लेती है तो ये वो एग्जांपल होगा। लिक्विड इन सॉलिड के अंदर अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम या अमलगम ऑफ मरकरी विद मैग्नीशियम या अमलगम ऑफ मरकरी विद एनी अदर मेटल, अमलगम जो भी होगा वो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल होगा, इसको याद रखिएगा। सॉलिड इन सॉलिड की बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड एटसेट्रा या कॉपर डिजॉल्व इन टू द वाटर, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा क्लासिफिकेशन रहा, ये टाइप रहा। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो मैंने बहुत आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए। और फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो नाउ दिस इज़ अर्शद इनाम साइनिंग ऑफ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल।